हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना यार। ये मेंटल स्ट्रेस जो है थोड़ा कम लिया करो, खुश रहो, मस्त रहो। आम छुओ तो ऊपर ले, आम गिरा था एक आधो हम लोग आम खेवा। तो आज दिन कुछ ऐसे हैं कि आज बहुत दिनों बाद मेरे को टाइम मिला है। जब से मैं गांव आया हूं, या तो बारिश हो रही या फिर ऑफिस का कुछ काम है वो करना पड़ जा रहा है, इसलिए बाहर निकलने का ज्यादा मुझे टाइम मिल नहीं पाया। तो आज जो है अपना प्लान है, थोड़ा दोस्तों से मिला जाएगा, थोड़ा सा एंजॉय किया जाएगा। देखते हैं आज कहीं जाने का भी प्लान है, तो देखते हैं अगर वो प्लान बनता है तो हम लोग कहीं निकलेंगे। ये हमारा पूरा गैंग है और आज इन लोग का बड़ा अच्छा कुछ प्लान इन लोगों ने बनाया है। हम लोग अच्छे जगह जाने वाले हैं और थोड़ा पिकनिक का आनंद आज लिया जाएगा। ये हमारे मेन चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित है, जो हमारे भगवानपुर प्रखंड के BDC के रूप में अभी उपस्थित है। इनके सहयोग से जो भी कार्यक्रम है इनके निगरानी में किया जा रहा है और हम लोग आह्वान करेंगे शायद जगदहवा डैम के प्रांगण में। आप भी सब कुछ कहना चाहते हैं? बहुत धन्यवाद। जगदहवा डैम पर हम लोग जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए। अच्छा, बहुत अति सुंदर। हमारे बंटी जी आ चुके हैं बहुत बंगलोर से, उनका भी बहुत बढ़िया स्वागत है। इन्हीं के सहयोग से हम लोग आज जगदहवा बांध पे शाकाहारी मांसाहारी सब व्यवस्था किया गया है वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे पंकज भाई कुछ बोलना चाहेंगे कैमरा में? बड़े 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 नजदीकी मित्र हैं हमारे। अरे सत्येंद्र जी, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, दांतों के बड़े डॉक्टर हैं। अगर दांतों में हमें कोई भी दिक्कत होता है ना, हम इनको पकड़ते हैं और कोई भी समस्या हो दांतों का ये ठीक कर देते हैं। सीन्स कुछ ऐसे है कि सारा सामान हो चुका है पीछे लोड और हम लोग अभी निकल चुके हैं कलकत्ता, और ये कैमूर की वादियों से होते हुए हमारी जो सवारी है जा रही है। Life is harder than I like to think, but it's easy when you're by my side. No point in calling, you just have to see the fundamentals of our life tonight. 'Cause I've been looking at a photograph of you, and I've been thinking about all the ways you move. This isolation got me feeling like I'm moving my... Yeah, maximum. 2 इंची 3 इंची सिरे से नहीं खुलेगा। तीन इंची खुलेगा। अच्छा, 3 इंची का मतलब कि एक पर एक अगर खुलेगा तो पूरा बिल्कुल पानी एकदम उज्जर उस समय दिखाएगा। एक बार मान लीजिए 2-3 साल पहले 45 देख रहे हैं ना, 345 से ये भव ढाक रहा। आम खत्म हो गया ना, बगीचा में आम लगा था, अभी तो मौसम पकने वकने वाला आया है, मतलब तोड़ ताड़ के एकदम पहले काम कर दिया। सब बेच देते हैं हम लोग ना बगीचा। अच्छा, बढ़िया बिजनेस मतलब बिक्री हो जाला बाल के। कहाँ गांव पड़ी आपके? रामपुर। उदरामपुर ई केहर बटे? उदरामेपुर में है जगदहवा डैम। अच्छा, बताए हमरा के पते नहीं है। तनी दूध पाल भूज के तनी खियाई तो बढ़िया वाला। इसी तरह से अब तो लग रहा है पूरा स्लिम ट्रिम डाइट वाइट कर रहे हैं। जैसे थे उसी तरह है आज भी नहीं कर रहे, लेकिन पहले थोड़ा सा कुछ चेंजेज आया है। कुछ लॉकडाउन में ना घर में सोए सोए ना कुछ स्वास्थ्य गिर रहा है इस समय। Hello everyone, we are on the picnic spot and here there are too much friends available. Mr. Sujit, Mr. Banti, Sudhir. नहीं, हम अपन दिखा देते हैं। कैमरा पर पड़ जाएगा अगर डले डले तो तुमको तो ही। अरे बंद हो गया सर। और यहाँ पे कृष्णा सिंह। यहाँ पे सही काम हो रहा है। ये आग जो है इंगठी इसको बोलते हैं,
तो इसको हम लोग जला करके और यहाँ पे हम लोग लिट्टी बनाएंगे। और भाई साहब देखिए क्या टैलेंट है, मतलब एक बार में आग जला दी एकदम, बड़ा अच्छा देखने में लग रहा है। और ये गैस पे जो बनता है ना और एक जो अंगीठी पे बनता है उसका जो टेस्ट होता है बहुत डिफर कर जाता है। और इस पर जो हम लोग अभी लिट्टी बनाएंगे उसका टेस्ट मतलब मज़ा आ जाता है उसको खाने के बाद, है ना? इसका स्वाद अच्छा लगता है, स्वाद अच्छा लगता है। तो कैसे जलाएं आप इसको, अचानक एकदम फटाक से जल गया? इसको दो भाग किए हैं। अच्छा अच्छा। और उसके बाद साइड साइड से रखते हैं ताकि बीच में हवा पास करे। हाँ। और उसके बाद में एक बार में जलाने से जब हवा पास करता है तो जल्दी आग पकड़ लेता है। आग पकड़ लेता है। तो ये मौसम जो है भुट्टा का मौसम है और गांव में आने के बावजूद भी और ऐसे जगह पे आने के बावजूद भी अगर आप भुट्टा का आनंद ना लें तो फिर ये तो भाई ऐसे एनवायरनमेंट के साथ और ऐसे माहौल के साथ नाइंसाफ़ी है। और भुट्टा बहुत मीठा है एंड होता क्या है ना, शहरों में अगर आप भुट्टा खाते हैं कितना भुट्टा का ऐसा क्वालिटी होता है कि उसमें कुछ मिठास नाम की चीज़ नहीं होती है। लेकिन अगर आप गाँव में आते हैं तो जो क्वालिटी है भुट्टे का बदल जाता है। तो इधर लिट्टी चोखा का कार्यक्रम चल रहा है और लिट्टी तो ये भाई साहब एकदम क्या मस्त लिट्टी बनाए हैं, देखिए एकदम लग रहा है कि आलू है, गोल गुलैया आलू की तरह, मतलब टैलेंट यहाँ के लोगों में कूट कूट के भरा है। ये पीछे जो आप देख रहे हैं एक जगदहमा डैम है और ये सामने जो यहाँ का सर्किट हाउस, अगर कोई आता है सरकारी ऑफिसर या कुछ तो यहाँ पे उनके लिए विश्रामालय है। तो अभी इधर हम लोग थोड़ा घूम लिए, थोड़ा सा अंदर चल के देखते हैं। बहुत ही क्या बोलते हैं मनमोहक जगह है, मनमोहक जगह है। तो जैसा कि हमने बताया बगल में ही करकटगढ़ भी है, परमानंद भाई हमारे साथ हैं। यहाँ से अप्रोक्स 20 किलोमीटर है, वहाँ पर रोड की थोड़ी सी कमी है, कच्ची रोड है लेकिन फिलहाल प्लेन रोड है, उतना खराब रोड नहीं है। अभी ये जो जगह है ना ये जगदहमा बांध है और इसके बगल में ये सर्किट हाउस है, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। और मेरा भी कभी कभी ना बहुत ऐसा इच्छा होता है, बहुत दिली तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है कि ऐसे जगह पे ऐसे नेचर की गोद में एक तरीके से बोल सकते हैं अपना भी एक फार्म हाउस हो जहाँ पे आप थोड़ा दुनिया की भाग दौड़ से दूर थोड़ा सा कुछ क्वालिटी वक्त आप स्पेंड कर सकें। Life is harder than I like to think, but it's easy when you're by my side. No point in calling, you just have to see the fundamentals of our life tonight. Cause you got me feeling like I'm moving my love. Yeah, when I wake up I feel empty, not beside you. My whole life been searching just to find you. This quantity, it hasn't got the right to keep, but it's a fight. यहाँ हम लोग अभी स्नान करके आए हैं और हमारा जो चोखा का जो मटेरियल है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और हमारे कोमल भाई साहब चोखा जो है ये है टमाटर आलू बैंगन, पहाड़ों की जो असली खूबसूरती है ना वो बरसात के मौसम में खिल के सामने आती है।